आलती पालती मारने की कोशिश कीजिए, करिए, होता नहीं है, इससे ज्यादा नहीं होता ना, बस हो गया हो गया। कोई बात रिपोर्ट आपको दिख रही होगी, स्टार्टिंग डे है आज। बेटा पैर उठाइए, कितना उठ रहा है? बस मैक्सिमम है, देखो कंबल काफी है, नीचे रखो, बस हो गया, इतना ही है, बस 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 हो गया हो गया, ठीक है। आओ दंड बैठक मारने की कोशिश कीजिए। नहीं लग रहा। कहाँ आ रहा है पेन? किस एरिया में आ रहा है? घुटने और हिप में। घुटने में और हिप में पेन आ रहा है। अच्छा, आलती पालती मारने की कोशिश करिए, नीचे बैठिए, आराम से बैठिए। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। आलती पालती मारने की कोशिश कीजिए, करिए, होता नहीं है, इससे ज्यादा नहीं होता ना। एवियन का प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा था इनका, आयुर्वेद का। 12 साल का पेशेंट है, एवियन का ग्रेड 3 है। एक्सरे रिपोर्ट आप देख चुके थे पहले भी। आराम से आराम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऊपर उठाओ, ये मैक्सिमम है, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। नीचे देखो, ये वाला पैर उठाओ, ठीक है ठीक। बेटा आप उठक बैठक मार पाओगे अभी? हाँ जी। आलती पालती मार के भी बैठ जाओगे? हाँ जी। हमारे दर्शकों को दिखाओ, आ जाओ आ जाइए आ जाइए। अरे वाह, चलो उठक पटक मार के दिखाओ बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस 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 बस, ठीक है। नीचे बैठिए, आती पाती मार के बैठ। अरे वाह, बोलने से पहले ही ये देखिए, बहुत बढ़िया बेटा, चलिए। अरे आराम से आराम से आराम, ठीक है ठीक है। अच्छा कैसा फील कर रहे हो? सही लग रहा है? आगे करने की कोशिश करिए, पीछे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से आराम से, ठीक है ठीक है ठीक है। आप सुनो, एक बार एक वहीं पर रहो। जी सर। एक काम करो, जिस दिन जैसे एवियन पेशेंट की तरह चल के आओ। कैसे आए थे मेरे पास? हाँ, चल के कैसे आए थे? चलो ठीक है मॉडरेट लेवल का करो, चलो मॉडरेट लेवल का, नहीं इतना तो था, नहीं सर इसमें दर्द बहुत था, इसलिए ये ऐसा नहीं हो रहा था ना। हाँ इतना तो था, नो डाउट। हाँ ऐसे थे आप, अभी चलो वापस आ जाओ। ऐसे थे और 2 दिन पहले ऐसे भी थे सर। हाँ चलो ठीक, अभी कैसे हो? अरे वाह, वापस आओ एक बार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आदमी इधर से विकलांग नहीं होता, यहाँ से विकलांग नहीं होता ना सर, तो कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो डरे ना, और सबसे पहली बात की सर विश्वास रखे। मैं नागपुर से घर तक रोते हुए आया सर, ड्राइव करके। बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड पर्सन हो, हंसमुख हो बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी सर 4 दिन पहले से हंसी चालू हुई सर। पूरा था सर, हमारे फैमिली में 15-16 मेंबर है। मध्य प्रदेश से हमारे पास कोई पेशेंट है, क्या नाम है आपका? संजय चौधरी सर। संजय चौधरी, अभी कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है? नहीं सर, नहीं कोई सर, नहीं नहीं। ये डायग्नोस 1.5 से 2 मंथ पहले हुआ आपको, एक है ना? जी जी। तो चलिए 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट इनका शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इनके मूवमेंट चेक किए जाए, 1 हफ्ते में जो है कितना दिन आए इनको और कितने अभी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है वो सारा कुछ देखा जाएगा। चलिए लेते हो आप। चलो तो सबसे पहले आपको ना ये वाला पैर खड़ा करना है, कितना होगा? नहीं ऐसे नहीं, नॉर्मल चीज है जो हो रही है वो चीज नहीं होता है। नहीं नहीं, ठीक है। तो 110% ये वाला पैर मुझे 1 हफ्ते में खड़ा करना है, इनकी रिपोर्ट है इस लाइन। कई लोग बोलते हैं कि जो है 1 हफ्ते में जो है सारे मूवमेंट कैसे आ जा रहे हैं? प्रॉपर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट होगा, क्लासिकल आयुर्वेदा अगर फॉलो कर रहे होंगे तब आएगा रिपोर्ट, है ना जी। तो तब मूवमेंट आने की संभावनाएं तब होती हैं। तो इसका जो है मूवमेंट 1 हफ्ते में हम आराम से ले आएंगे, यहाँ तक तो मैं कम से कम पहुँचा दूंगा इसे 1 हफ्ते में। चलिए एक बार और कोशिश करिए मैक्सिमम, ठीक है, ये प्रॉपर खड़ा हो जाएगा, यहाँ तक ले आएंगे इसे 1 हफ्ते, ठीक है। अब ये वाला पैर खड़ा करो, ठीक है, ये हो रहा है, यहाँ ये भी यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। इसमें भी अच्छा, एक बार रुको रुको, देखो ये वाइब्रेशन जो हो रही है ना, मसल्स स्ट्रेंथ जो है खत्म हो चुके हैं इसकी, ठीक है।
ठीक है नीचे बैठ गया प्रॉपर एक हफ्ते में ये 90 डिग्री पर आ जाए ठीक है। चलिए अब एक काम करिए ये वाला घुटना और ये वाला कौन सी मिलानी है भाई ठीक। चलो इतना गैप बच रहा है ना एक हफ्ते में मैं प्रॉपर मिलाऊंगा इसे प्रॉपर एक हफ्ते में आराम से मिल जाएगा ठीक है। चलो ठीक है नीचे करो ये वाला घुटना और ये वाली कौन सी मिलाऊँ ठीक है। ये है ना इतना गैप बच रहा है ना ये भी प्रॉपर मिल जाएगा एक ही हफ्ते में ठीक है। ऐसे करना है आप तब पता चलता है प्रॉपर मूवमेंट कैसे है ये है इतना बच रहा है। चलिए ठीक है एक हफ्ते में आ जाएगा ये। अभी आपको क्या करना है कमर पीछे मिलाइए प्रॉपर तो ये सराहना बनाइए फिर ठीक है ये प्रॉपर ठीक है। अब ये वाला पैर इसके ऊपर रखो अब पीछे करो पैर डॉक्टर साहब दिखाओ प्रॉपर ये यहाँ तक आ जाएगा जी। हो सकता है पीछे प्रॉपर चला जाए नहीं नहीं तो इतना तक तो ले ही आऊँगा काफ़ी गैप है ना ये वाला गैप एक ही हफ्ते में जो है इतना कम से कम हो जाएगा ठीक है जी। चलिए अब सिर इसाई करो देखिए ये वाला पैर अब देखिए पीछे करिए प्रॉपर डॉक्टर साहब देखिए प्रॉपर इतना गैप बन रहा है ना इतना गैप ये कम से कम यहाँ तक आ जाएगा ठीक है जी। ठीक है चलो अब आलते पालते मारने की कोशिश करिए कितनी लग रही है आपकी आलते पालते यहाँ पे प्रॉपर ये एक हफ्ते में मैं यहाँ ले आऊंगा जैसे ये है ना ये तो अट रहा है ना ऐसे खड़ा ये प्रॉपर यहाँ कर लूंगा मैं एक हफ्ते में जैसे ये जा रहा है वैसे ये भी आएगा ऐसे अड़ेगा नहीं ठीक है जी। अब एक हफ्ते का ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रहा है जी। कई पेशेंट बोलते हैं कि अच्छा अभी इससे पहले कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं एलोपैथी में सर्जरी के लिए बोल दिया जी सर। ठीक है तो अभी एक हफ्ते का ट्रीटमेंट होगा एक हफ्ते में मैंने जितने मूवमेंट आपको बताए 110% आएंगे उससे भी मेन बात होती है डिजनरेशन यानी कि सडन रोकना वो एक हफ्ते में डन हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अमित भारती मध्य प्रदेश से जो है हमारे पास पेशेंट है ये हमारे बहुत ज्यादा हसमुख पेशेंट है एक हफ्ते हमारे पास रहे तो मतलब माहौल बना दिया मैं पूरा है ना। तो अभी ये जा रहे हैं तो थोड़ा है ना जी सर। हाँ जी सर तो ठीक है तो सबसे पहले जो है इसके मूवमेंट चेक किए जाए ये वाला पैर बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था ना के बराबर था है ना। बिफोर की वीडियो आप देख चुके होंगे आफ्टर में जो है एक हफ्ते का क्लासिकल आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट हुआ प्रॉपर दीपन पाचन स्नेह स्वेदन के बाद वस्त्रीकरण हुआ तो ऐसे रिजल्ट मिलते हैं ये चीज दिखाने की कोशिश की जाए सबसे पहले ये वाला पैर खड़ा करो करिए मैक्सिमम देखो ये कहाँ हो ही नहीं रहा था ना इसे सबसे पहले तो इसके लिए वो आपने भी बड़ी मेहनत करी है इसको उठाने में। चलो ठीक है नीचे करो एक बार और खड़ा करो ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है ये वाला पैर खड़ा करो बहुत बढ़िया ठीक है ये वाला घुटना और ये वाले कौन नहीं मिलेंगे अरे वाह मिल रहे ना प्रॉपर पहले मिल रही थी नहीं सर यहाँ पर याद है ना। चलो ठीक है बहुत बढ़िया अभी दूसरा करो बहुत बढ़िया आपको थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है नंबर जो लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उस पर सीधे व्हाट्सअप कर लेनी है अपनी रिपोर्ट अपना नाम जगह का नाम है ना तो आपकी रिपोर्ट उसी दिन चेक की जाएगी। एक बार आप मुझे कॉल करोगे तो मैं सेम चीज बोलने वाला हूँ आपको आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है एक्सरे और एमआरआई भेजो उससे पहले यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है इस पर डायरेक्टली अपना एक्सरे और एमआरआई आप सेंड कर सकते हो और चीजें सारी आपको पता लग जाएंगी ठीक है। चलो आप पीछे करो ये काम बहुत बढ़िया सच में बहुत इम्प्रूव हुआ है बहुत जल्द इम्प्रूव हुआ है जितना हो रहा है बहुत बढ़िया। चलिए आलती पालती कितने टाइम से नहीं लगेगी लगती थी आपकी बात नहीं सर नहीं लग रही ये पैर ऊपर ही था ऐसा था ना अभी प्रॉपर करते दिखा अरे बहुत बढ़िया कहाँ था ये यहाँ था सर नहीं ऐसा लगा था अभी चीजें हो रही हैं प्रॉपर कोई सर नहीं सर कोई दर्द नहीं बहुत बढ़िया ये कम से कम ग्रेड थर्ड है स्टार्टिंग भी मान सकते हैं ग्रेड थर्ड भी मान सकते हैं क्योंकि हमारा रिपोर्ट थोड़ा पुरानी है एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर पता चल रहा है। सबसे पहले ये ग्रेड थर्ड वाला जो पैर है इसको ऊपर उठाओ कितना उठा रहा है इसको उठा ठीक टर्न अब इसको करो 1 2 3 ठीक है देन
इसे बिना बिना हिलाए बिना वाइब्रेशन के प्रॉपर एक मंथ में जो है एक मंथ में एक हफ्ते में प्रॉपर यहाँ तक आ जाएंगे 90 डिग्री प्रॉपर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुझे ये काम करवाइए, ये घुटना और ये कोहनी, ये घुटना और ये कोहनी मिलाओ, बताओ कितना गैप बच रहा है, मिलाओ मैक्सिमम है ना, गर्दन नीचे रखो, अब करो देखो इतना गैप बच रहा है ना, ठीक है बिना जोर लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं नॉर्मली, ठीक है इतना गैप बच रहा है ना, इसे प्रॉपर मिलाएंगे एक हफ्ते में, ठीक है ग्रेड थर्ड है इसमें, उसमें ग्रेड फोर्थ हो चुका है, ठीक है इसे करो, इस घुटने को और इस कोहनी को मिलाओ प्रॉपर मिलाओ, कितना गैप बच रहा है देखो साफ पता चल रहा है ना, इसमें ग्रेड बढ़ा हुआ है, इसमें इसमें गैप बढ़ गया ना तो ग्रेड फोर्थ है ये, देखो इसे प्रॉपर एक हफ्ते में मिला दूंगा प्रॉपर, मतलब सारे मूवमेंट आ जाएंगे एक हफ्ते में प्रॉपर, देखो इतने मूवमेंट ये प्रॉपर मिलेगा, ठीक है अब आप एक काम करो, ये जो कमर है ना इसको यहाँ पे मिला, कमर मिलाना है एक कमर पर दूंगा जी, अब ये वाला पैर नीचे करो, अब ये वाला पैर इस वाले पैर के ऊपर रखो बॉल रही, अब इसे पीछे पुश करो, नहीं जा रहा ना इतना ही जा रहा है, ये जो पीछे गैप बच रहा है ना ये गैप, इसे प्रॉपर एक हफ्ते में मैं प्रॉपर मिलाऊंगा, थोड़ा बहुत हो सकता है ग्रेड फोर्थ वाले में कसर रह जाए लेकिन मिलाऊंगा, यहाँ तक तो लेके जाऊंगा प्रॉपर, ठीक है चलो दूसरा करो, दूसरा करो, जैसे जुनेर के केस में क्या है उनका एक ही पैर में है तो एक पैर की मूवमेंट नहीं हो पा रही, बाकी दूसरा तो इजिली जा रहा है ना, तो जैसे जो इजिली जा रहा है ना तो दूसरा पैर भी जब ठीक हो जाएगा तो जाएगा, दैट मीन्स है ना, तो ठीक होने की परिभाषा ही यही है मूवमेंट वापस आने चाहिए और हेड ऑफ फीमर का डिजनरेशन रुकना चाहिए, ठीक है अब ये सराहना नीचे की तरफ करो, इस वाले पैर के मूवमेंट की तरफ नीचे की तरफ करो सारे साइड, देखो इसे करो, अब ये वाला पैर है इसके ऊपर रखो, नहीं कमर 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 मिलाओ तो इसे सराहना बनाओ, अब मिलाओ पीछे मिलाओ, देखो इसमें कितना है कम ग्रेड है ना, ये जा रहा है ना पीछे प्रॉपर, लेकिन प्रॉपर नहीं मिलाएंगे है ना, इसे भी प्रॉपर मिलाएंगे, फर्क समझ में आ रहा है, जिसमें ग्रेड ज्यादा है वो नहीं मिल पा रहा है, उसकी मूवमेंट कम हो चुकी है, जिसमें ग्रेड कम है वो जा रहा है, ठीक है लास्ट मूवमेंट चेक कराओ, बैठो आलती पालती मार के बैठो, मतलब नॉर्मली बैठना है, नॉर्मली बैठना है हाँ, फोल्ड करके कैसे हो रहा है कितना, ये वाला पैर खड़ा हो रहा है, ये हो रहा है इसको प्रॉपर नीचे मिलाएंगे, देखो ऐसा नहीं होता, ये आलती पालती नहीं बोलते, परफेक्ट आलती पालती नहीं है, इसे प्रॉपर मिलाएंगे, ठीक है कोशिश करेंगे तो कितना दर्द होता है, अब नीचे करने की कोशिश करो, नहीं जा रहा ना इतना गैप बच रहा है, बच रहा है इतना गैप, अभी जुनेद के केस में इतना सा बच रहा है गैप है ना, सब पेशेंट का अलग अलग है, हर अभी जो हमारे पास फीमेल पेशेंट है उनके केस में भी लगभग इतना बच रहा है, तो आपका अभी तक जितने भी पेशेंट हैं यहाँ पे स्थिति थोड़ा मूवमेंट में थोड़ा खराब है, लेकिन इसे भी ले आएंगे प्रॉपर ले आएंगे, ठीक है देखो इतना गैप बच रहा है, ये प्रॉपर मिलाएंगे इसे, ठीक है इसमें इतना गैप है, तो टिल्ड जो है एक पैर खड़ा है एक पैर नीचे है, इसे प्रॉपर नीचे करेंगे एक हफ्ते में, ठीक है अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू योर मूवमेंट, मूवमेंट 110% दे दूंगा मैं आपको, ठीक है उस लायक है इसलिए बोल रहा हूँ, जिसका है उसका है, क्रिकेट खेलने से मुझे क्रिकेट खेल सकता हूँ मैं बाद में, सब सब खेल सकते हो, अच्छा एक साल से क्रिकेट नहीं खेला मैंने, खेल लो यार चीजें कर लो, डेढ़ सौ बंद का ट्रीटमेंट प्रॉपर करना इसके वजह से हुआ है, चलो अब उठक बैठक मार के दिखाओ मुझे, कब मारा थे लास्ट टाइम उठक बैठक, याद है मतलब ना के बराबर मार रहे हैं काफी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, चलो ठीक है कोशिश करो लो उठक बैठक मारने की कोशिश, बस प्रॉपर नीचे दर्द होगा प्रॉपर, अभी दर्द नहीं मांगे नीचे हो जाओ प्रॉपर करो नीचे करो नीचे और नीचे जाओ, बस 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 इतना ही इतना ही, नीचे नहीं हो पाओगे प्रॉपर, कहाँ दर्द होता है इसका दर्द मतलब तुम आता है पे यहाँ पे, एक बार आप कोशिश करो लोग पीछे हो जाओ पीछे तो अब बताओ कितना हो पा रहा पीछे जाओ, बस या इतना ही दर्द हो रहा है यहाँ से बस हो गया, ठीक है अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट एक हफ्ते में प्रॉपर उठक बैठक भी लगेगी आपकी, लग जाएगी एक हफ्ते में प्रॉपर उठक बैठक लग जाएगा, चल के दिखाओ मैं सीधा करो पैर लो कोशिश करो लो, ये देखो इसे सीधा करो चलो बहुत बढ़िया, अब चलो ऐसा लगेगा आपको कि मैं पहली बार चल रहा हूँ जब सीधा पैर करके चलाओगे, ठीक है अभी प्रॉपर नहीं होगी ये चीज़, जब स्नेहन और फिजन हो जाएगा ना तो पैर हम जब मूवमेंट के माध्यम से सीधा करेंगे ना इसको तब वापस आ जाएगा, ठीक है ना आप वापस आ, चलो अपनी हिस्ट्री बताओ बैठो,
तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित भारती, शिशु आयुर्वेद दर्शन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हमारे पास है, कहां से हैं आप? महाराष्ट्र। ठीक है, नाम क्या है आपका? आनंद सोमाजी कावरे। ठीक है, तो आनंद जो है महाराष्ट्र से है हमारे पास। एक हफ्ता प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है हमने एलियन का। बिफोर की वीडियो आप देख चुके हो ऑलरेडी, और आफ्टर की वीडियो अभी दिखाते हैं आपको कि एक हफ्ते में जो है प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है एलियन का, कैसा इलाज हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूवमेंट दिखाइए आनंद, आप लेटिंग ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करिए, ये वाला घुटना इस वाली कोनी से मिलाइए। मिल गया है ना? नहीं, सच में प्रॉपर चीजें हो रही है, इनका काफी यहाँ तक अटका हुआ था ना चीजें। चलो ठीक है, ये मैंने अभी देखा। कितने आपके मूवमेंट कितने दिन में आ गए थे लगभग? चार दिन में। चार दिन आ गए थे, चलो अच्छी बात है। अच्छा ये वाला दिखाना, ये वाला चलो ठीक है, गर्दन भी नहीं उठनी, ठीक प्रॉपर चीजें हो रही। अभी पैर फड़ा कर देते हैं, ऊपर लगो कितना हो, बहुत बढ़िया, स्ट्रेट करना ठीक है। नीचे ये वाला करो, मूवमेंट लाना कोई मतलब उतनी बड़ी बात नहीं है। पहले डीजनरेशन रोकना, डीजनरेशन जो ही रुक जाता है ना फिर मूवमेंट आ जाते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप एक काम करो, लेटर वाले एक्सरसाइज कर लीजिए, कमर ट्रेडिंग होने पीछे, ठीक है डन। चलो इस साइड आओ, कमर की साइड, सिर साइड करो। आप फिर एक लास्ट मूवमेंट करवाने हैं, आप ये पीछे करो, इसे सराहना बनाओ। चलो डन, ठीक है। तो काफ़ी हद तक मूवमेंट इनके वापस आ चुके हैं। हालती पालती में कोई प्रॉब्लम? आप नहीं बैठे हुए कुछ नीचे बैठा नहीं, कुछ निकले बाथरूम जाता था, मैं टॉयलेट करता था, खाना खाने के टेबल बैठता था, मैं टेबल पे खाना खाने बैठता था, मैं नीचे कभी नहीं बैठा मैंने एक साल से। ऑफिस में भी टेबल भी बैठा था खाना खाने के लिए। इधर आ रहा था तो उठे बैठे मारना चालू किया था। अच्छा स्टार्ट करो, दिखाओ अपने जैसे एलियन पेशेंट को। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। आपने बहुत सच में बहुत अच्छा इंप्रूव किया है आपने, है ना। जो मैंने आपकी बिफोर की वीडियो मैंने खुद देखी एक बार और अभी देख के आया हूँ, उसमें आपका तो जो है मूवमेंट ना के बराबर था, अभी प्रॉपर आ रहा है मूवमेंट, तो बहुत अच्छी बात है। चल में तेरा चल रहा था पहले, अभी तो थोड़ा चल रहा बराबर, मतलब उठ रहा हूँ ना थोड़ा सा, तो रहा है बाद में आपने मुझे कोई पता चल रहा हो ना तो कुछ महसूस नहीं हुआ। देखिए काफी तकलीफ है आपको, चलो जितना मिल रहा है उठा देना, इसको देखने के लिए लोग जनता बेताब है। ठीक है, एक और मार्ग। और मुझे एक मैसेज दे रहा है मेरे सारे एवियन भाई और बहनों के लिए, जैसे आपको एवियन के बारे में पता चले तो आप टाइम वेस्ट ना करें एलोपैथी के चक्कर में, भले वो आपको फोर रिकम्बरेशन के बारे में बताएंगे, स्टेम सेल के बारे में बताएंगे, हिप रिप्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। आयुर्वेदामध्ये अमित सर खूप चांगलं काम करताय, हे पूर्ण आयुर्वेदाचे सगळे ट्रीटमेंट करताय, जसं पंचकर्मा झालं, जसं अग्निकर्मा झालं, स्नेहन स्वेदन सगळ्याच गोष्टी ते करताय। मी इथे येताना व्हीलचेअरवरती आलो होतो, मला बिलकुल चालता येत नव्हतं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित भारती, अभी सागर आए हमारे पास महाराष्ट्र से, सागर नासिक महाराष्ट्र। नासिक महाराष्ट्र से सागर, अभी तक कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है?
हाँ सर लिया है। ठीक है, कहाँ से लिया है, डॉक्टर का नाम नहीं बता रहे सर। कानपुर और लखनऊ के बीच में एक गांव पड़ता है, वहाँ से लिया है। ठीक है, अच्छा तो कितनी सीटिंग वगैरह ली है अभी आपने वहाँ से? सर फर्स्ट सीटिंग हो गया मेरा वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं 10 दिन था। तो ट्रीटमेंट वगैरह क्या क्या चलते थे वहाँ पे, क्या क्या है ट्रीटमेंट वहाँ पे? सर ट्रीटमेंट मतलब वहाँ पे तो सिर्फ ब्लड कपिंग होता है और स्टीम लेते हैं बस, उसके अलावा तो और कोई ट्रीटमेंट नहीं। चलो ठीक है। तो दोस्तों अस्थि मज्जागत वात विकार हो, चाहे कोई सा भी वात विकार हो, उसमें बस्ते लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए शायद उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला तो इसलिए वो हमारे पास है। चलिए सबसे पहले सागर के मूवमेंट चेक करते हैं, एक हफ्ते में हम क्या कुछ दे सकते हैं वो अभी पता चल जाएगा। ठीक है सागर जी, देखिए काफी तकलीफ है आपको। इस वाले में नहीं है आपको? इस वाले में नहीं है सर। चलो ठीक है, रिलैक्स हो जाएगा। सबसे पहले आप ना ये वाला पैर ऊपर करो, कितना होता है ये मैक्सिमम देखो, वाइब्रेशन देखो, ये वाली स्ट्रेंथ ना बस अपने खो दी है स्ट्रेंथ। इसमें एंटीरियर कंपार्टमेंट की और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बस अपने प्रॉपर स्ट्रेंथ लाएंगे, आपकी रिपोर्ट सही है, आपका पैर मैं एक हफ्ते में यहाँ पर जाऊँगा। ओके ठीक है, प्रॉपर यहाँ आएगा वो। ओके ठीक है जी, यहाँ तक आराम से आएगा। ओके ये वाला खड़ा करो, कोशिश करो, कोशिश करो, नहीं थोड़ा सा करो, कोशिश करो, थोड़ा सा करो करो, नहीं नहीं इसके सपोर्ट से खुद से करो, इसके सपोर्ट से कितना नहीं हो पा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये भी यहाँ तक तो आई जाएगा प्रॉपर, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक तो दिया हमने इतना। ठीक है, हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, लेकिन 90 डिग्री में हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्री में ये भी आ जाएगा, नहीं तो यहाँ तक तो आई जाएंगे। ठीक है, गर्दन नीचे रख देंगे, इतना गैप बच रहा है प्रॉपर, डॉक्टर साहब दिखाओ प्रॉपर दिख रहा है, तो कम से कम इतना गैप बच रहा है, ये मैं प्रॉपर मिलाऊंगा और जब तक नहीं मिलेगा सागर को भेजूंगा नहीं यहाँ से। ये वाला पूछना और ये वाले कौन मिलाओ, ये वाला प्रॉपर, ये नीचे करो प्रॉपर, कोशिश करो, लाओ लाओ लाओ, ठीक है नहीं जितना वाला है उतना करो, गर्दन नीचे रखो आप। ये भी मिलाऊंगा मैं प्रॉपर, इतना थोड़ा सा हो सकता है गैप बचे इसमें। ठीक है, एक बार और कोशिश करो, देखो इतना गैप बच रहा है कम से कम, तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा, हो सकता है सर ऐसा कर रहा हो ना, ठीक है ठीक, तो इसमें हो सकता है इतना गैप बचे, लेकिन इसको भी काफी हद तक मिला लूंगा। ओके ठीक, प्रॉपर और पीछे मिलाइए, इसका सिराना बनाइए, ठीक है और पीछे मिलाइए, अब इसे छोड़ो, ठीक है ठीक छोड़ो, अभी वाला आप पीछे रखो, अब इसे पीछे करो, पीछे डॉक्टर साहब दिखाओ, ये ना अभी प्रॉपर ऊपर उठा पा रहा है, अगर ये यहाँ आएगा ना तो ये स्टक हो जाएगा। देखिए इतना गैप है, ये कम से कम यहाँ तक आ जाएगा कम से कम। ठीक है डॉक्टर साहब, मिलाने की रिपोर्ट चाहिए। ठीक है यहाँ तक आ जाएगा, हो सकता है इसे मैं यहाँ तक ले लूँ, ठीक है यहाँ तक तो कम से कम इसमें आना ही आना। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें मूवमेंट दे रहा हूँ। चलिए आदिवासी मार्केट पे सबसे पहले मुझे नीचे बैठ के खाने का बहुत आदत था सर, मैं उम्र के बाद में नीचे बैठ के खाना नहीं खाया। नवम्बर 2022 हाँ प्रॉपर बैठाएंगे आपको दोबारा, कोशिश करो दोबारा, नहीं हो पा रहा रुको, ज्यादा वो मतलब स्ट्रेस मत दो, इतना ही हो पा रहा ना, ये वाला होती बस इतना हो रहा है, ये तो मैं प्रॉपर मिलाऊंगा नीचे, इतना इतना आ जाएगा, ये भी इतना आ जाएगा, प्रॉपर नीचे जाएंगे इतना तो कम से कम आ जाएगा। ठीक है, ये वाली मूवमेंट भी देना, जितने हो पा रहे हैं उतना ही रहना, जबरदस्ती नहीं करना। ठीक है, चलो ठीक है, मैक्सिमम एरिया नहीं उठानी है, जितनी कोशिश हो सके करो। ठीक है, एक और करो, एक और दस का पीछे पीछे दिखाओ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित भारती, सागर का जो है ट्रीटमेंट एक हफ्ते का डन हो चुका है, बिफोर की वीडियो आप देख चुके हो, आप ट्रीटमेंट देखे, एक हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद कितने मूवमेंट आए हैं, थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि मैजिक हुआ है सागर के साथ भी, और मैक्सिमम पेशेंट फिर इसमें भी कमेंट करेंगे कि हमारे जो मूवमेंट 1.5 से 2 सालों में नहीं आ रहे हैं वो एक हफ्ते में कैसे आ रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल आयुर्वेदा करते हैं हम यहाँ पे, तब जाके पॉसिबल है,
कितनी बार बता चुका हूँ, अगर मैं ब्लड कपिंग एक्सरसाइज और मेडिसिन के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ उसी के चक्कर में रहता ना, तो वो पॉसिबल कभी नहीं हो पाता। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना है, ये अस्थि मज्जागत वात विकार है। और कई बार बता चुका हूँ, अस्थि मज्जागत वात विकार हो चाहे वात विकार हो, उसमें श्रेष्ठतम चिकित्सा भस्ति ही होती है। और भस्ति भी दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन, यानी कि पूर्वकम जब हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद भस्त्रिकर्म करते हैं तो ऐसे रिजल्ट आते हैं। तो सबसे पहले सागर ये वाला पैर आप खड़ा करिए, ये वाला पैर तो बिल्कुल नहीं उठ रहा था, ये वाला खड़ा करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके लिए जनरली मैं भी थोड़ा सा मतलब खुश हो रहा हूँ आपके लिए, नीचे करो। चलिए अब एक काम करिए, घुटना और ये कमरी में लाइए, गर्दन नीचे जितना मिल रहा है उतना बता रहे हैं, जेन्युइन। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। ये वाला करो, ये तो यही अटक रहा था ना, इसको देखने के लिए लोग जनता बेताब है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रॉपर करो, खड़ा करो, पीछे करो, लोग मैथ पीछे करो। देखो ये कहाँ अटक रहा था, मोमेंट दिखाओ, ये कहाँ अटक रहा था, ये मैक्सिमम है, ठीक है। ये कहाँ अटक रहा था, आप आलते पालते मार के दिखाओ, लग रही है नहीं लग रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी पेन है इस साइड, पेन है, हाँ मारो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और मारो, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं अगर आपको मैक्सिमम देने के लिए बोलूँ तो कितना हो पाएगा मैक्सिमम, मैं पकड़ रहा हूँ आपको, इससे नीचे नहीं होगा, बस बस हो गया, ठीक है। करना एक बार और कोशिश करता हूँ, फिर से पकड़ रहा हूँ, है ना, मैक्सिमम करो, मैं पीछे से पकड़ रहा हूँ, एरिया उठ जाती है पीछे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, बस बस बहुत बढ़िया। अब सर्विस का इस साइड सर्विस करना है, चलो आप अब इसे ऊपर दिखा रहा, बहुत बढ़िया। दूसरा वाला चलो, दूसरा वाला चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित भारती, आयुर्वेदिक एवियन स्पाइन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट। दोस्तों आज फिर से बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं एवियन पेशेंट के लिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। दोस्तों आज एक ऐसे पेशेंट से आपको रूबरू करवाया जाएगा जिनको इनिशियल स्टेज में एवियन जो है डायग्नोस हुआ है और उनने फट से आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लिया और फट से आयुर्वेद के माध्यम से जो है एवियन जैसी गंभीर समस्याओं से बाहर आ चुके हैं, है ना। तो मेन चीज़ ये है, इनिशियल स्टेज में अगर कोई आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेता है तो इस टाइप के रिजल्ट मिलते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानोगे। और आफ्टर ट्रीटमेंट कितने मोमेंट आए हैं, आलती पालती प्रॉपर लग रही है, उठक बैठक प्रॉपर लग रही है, हेड ऑफ फीमर का डिजनरेशन रुक चुका है सिर्फ एक ही हफ्ते में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये वाला पैर स्टार्ट करो, खड़ा करना स्टार्ट करो, फिर फिर एक बार फिर से करो। दर्द कहां से हुआ है, जिंक बताओ, दर्द होना कहां से शुरू हुआ, यहीं से दर्द होना शुरू हो गया, ठीक है, हल्का हल्का, हाँ माइंड डेवलप करेंगे जितना भी दर्द है स्टार्ट यहाँ से होना शुरू हो गया, है ना। अब मुझे ये बताइए ये पैर मैक्सिमम कितना उठ सकता है आपका, बताइए ये वाला, बस हो गया, है ना, यही है ना, 40 डिग्री मान के चल रहे हैं, है ना, 40 डिग्री जो है ये मैक्सिमम खड़ा हो पा रहा है। अब इसमें ग्रेड थर्ड है और इसमें ग्रेड है सेकेंड, ठीक है। तो ये ग्रेड सेकेंड वाला पैर आप मैक्सिमम कितना उठा पा रहे हो, उठाना बस ये मैक्सिमम है, ये भी अभी मैक्सिमम जाएगा, ठीक है, आफ्टर ट्रीटमेंट देखना इसे प्रॉपर खड़ा करेंगे, ठीक, ये भी इतना हो गया। वाइब्रेशन इन 25 डिग्री कर लो, आराम से, आराम से, बिल्कुल धीरे से करना। वाइब्रेशन इन 30, ठीक है, वाइब्रेशन में दोनों में मतलब मसल स्ट्रेंथ दोनों में ही कम है, 30 और 25 लगभग ऑलमोस्ट, है ना। एक मेन चीज जो है एक्सरसाइज जो है चेक करना रहेगी, ये घुटना ये वाले जो कहानी है ना इस घुटने में आपको मिलानी है, चलो कितना आराम से देखो कितना गैप रह रहा है, कितना देखो कितना गैप, है ना, ये गैप पूरा देखो कितना गैप, कोशिश करो पूरा मैक्सिमम हो गया, कितना गैप रह रहा है, ये गैप पूरे हफ्ते में क्या करना काम करवाना है, इस वाले को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम कोशिश करो, कम से कम कितना रह रहा है, दो दो कितना लगभग कितना गैप, ठीक है, ये वाला जो गैप है ना इसे प्रॉपर मिलाना है, ठीक है, एक करवट बदल दो, अब ये वाला भी ना आप इस पर टच करो, पीछे टच करो, पूरा दीवार पर टच करना और पीछे जाओ, ओके, अब ये वाला पैर इसमें रखो, अब कुछ नहीं करना सर, नीचे रखो आराम से, अब इसको पीछे की तरफ लेके जाओ, ये जा रहा है ना,
लेकिन ये वाली जो मूवमेंट है ना थोड़ी सी रह गई है, ये परफेक्टली नहीं जा रहा पीछे, हमें परफेक्टली पीछे रखना है। आफ्टर वन वीक ये परफेक्टली पीछे भी जाएगा, ठीक है डन। अब ये सिर नीचे की तरफ यहाँ पे पहुंचे, लेकिन एक हफ्ते में ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुआ, डेढ़ से दो मंथ तक ट्रीटमेंट कंटिन्यू चलेगा, एक्सरसाइज चलेगी। एक हफ्ते में मैं मैक्सिमम मूवमेंट आपके लिए आऊंगा, हेड ऑफ फीमर का डिजनरेशन हो जाएगा। मैंने बता दिया आपको क्या क्या चीजें करनी है, अब एक और एक्सरसाइज करनी है आप बैठे हैं इधर आओ बस लास्ट बस मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं नीचे नहीं जाना। अच्छा मैं अगर आपको मैक्सिमम देने के लिए बोलूँ तो कितना हो पाएगा मैक्सिमम, मैं पकड़ रहा हूँ आपको इसी नीचे नहीं होगा, बस बस हो गया ठीक है, करना एक बार कोशिश करता हूँ, पीछे से पकड़ रहा हूँ जाना मैक्सिमम करो, मैं पीछे से पकड़ रहा हूँ फिर दिया बस हो गया, एरिया हो जाती है पीछे। हाँ एक हफ्ते में प्रॉपर वो फैक्ट बैठा दूंगा आपको ठीक है, और आपको क्या करना है पूरी चीज़ें फॉलो कर लेंगे सर ठीक है डन। अच्छा बैठो, चलो सबसे पहले 7 दिन कंप्लीट है ना, 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, अब ज्यादा दिखाते हैं आपको ठीक है। चलो सबसे पहले हाथ पैर ऊपर करो, इस वाले पैर की कंडीशन क्या थी, 30 डिग्री था ना, 30 डिग्री और 15 डिग्री आए। चलो अब इसे ऊपर करो आराम, बहुत बढ़िया। दूसरा वाला चलो अब ये वाला पैर जो है ना इस वाले को हमें इसमें लाना है, कितना गैप बच रहा है यहाँ पर डर मिल गए डन ठीक है। दूसरा वाला मिला डन ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब एक काम करो, छोटे मोटे पहले आधे बाधे मार के मिलाओ, आधे बाधे चलो ठीक है। अब एक काम करो, लेटो लेटर वाले एक्सरसाइज करो, वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना, करो जितना प्रॉपर जो चीज हो रही है वो चीज बताओ। इसे दो से डेढ़ से दो मंथ लगेगा इसे प्रॉपर होने में, जितना गैप है इतना तो पूरा प्रॉपर नहीं हो पाया, सारी चीजें नहीं हो पाती है एक हफ्ते में ना, तो चीजें हो गई हैं काफी, थोड़ा बहुत गैप बचा हुआ वो डेढ़ से दो मंथ में खो जाएगा, 5 बार से मिला इसे 1 2 3 4 5 ठीक है। लास्ट चीज जो सबसे सेटिस्फाइंग होती है, लोग सोचते हैं कि एवियन के केस में उठक पटक मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं, वो वाली चीज करके दिखाओ बस, बस बस बहुत बढ़िया। अब चल के दिखाओ इस साइड से भी दिखाना, चलो सीधा करो तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रॉपर पता चल चुका होगा, इनिशियल स्टेज में ही जब एवियन डायग्नोस होता है उस टाइम अगर कोई प्रॉपर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेता है तो इस टाइप के रिजल्ट मिलते हैं, है ना। तो बोलने का मतलब ये है उन्होंने आयुर्वेदा का प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिया तो एवियन जो है आराम से क्योर हो जाएगा। अभी हेड ऑफ फीमर का डिजनरेशन मेन होता है रोकना, वो हेड ऑफ फीमर का डिजनरेशन जो है आयुर्वेद में ही रुक सकता है, एवियन का प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए उसके बाद ही एवियन रुक सकता है। आयुर्वेद में ही कई डॉक्टर्स जो है ब्लड कपिंग एक्सरसाइज और मेडिसिन के माध्यम से एवियन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ ब्लड कपिंग से एक्सरसाइज से और मेडिसिन से जो है एवियन कभी ठीक नहीं होता, कुछ ना कुछ चीज़ें रह जाती हैं। प्रॉपर आयुर्वेदा जो ट्रीटमेंट है वो ये है, अस्थि मज्जागत वात विकार में बस्ती श्रेष्ठतम चिकित्सा होती है, तो बस्ती देनी जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और बस्ती भी कई टाइप्स की होती हैं, पंचतिक्त द्रव्यों के साथ मांसरस की बस्ती डालनी है उसका एक रेशियो होगा। अगर प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को हम देते हैं तो एवियन जो है 110% क्योर होता है, चाहे ग्रेड 1 हो चाहे ग्रेड 5 हो, है ना। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक ही है, हेड ऑफ फीमर का डिजनरेशन ग्रेड 1 में भी रोकना होता है, हेड ऑफ फीमर का डिजनरेशन जो है ग्रेड 5 में भी रोकना होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक ही है, लेकिन ग्रेड 1 वाला जल्दी क्योर होता है, ग्रेड 5 वाला थोड़ा लेट में क्योर होता है।
क्योंकि जैसे जैसे डिजनरेशन हुआ है ना, वैसे वैसे रीजनरेशन प्रोसेस भी शुरू होगा। जादू नहीं हो सकता किसी भी ट्रीटमेंट में, है ना। तो प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही होगा तो आयुर्वेद में जो है एवियन का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जो ब्लड कपिंग के नाम से आज जाना जा रहा है ना, वो आयुर्वेद का रक्तमोक्षण कर्म है। रक्तमोक्षण कर्म करने से पहले दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि मैक्सिमम पेशेंट और मैक्सिमम डॉक्टर जो है स्किप कर जाते हैं। तो रक्तमोक्षण का रिजल्ट तो 50% तो आपने ही करा दिया, उसके बाद भी एवियन जैसे क्रॉनिक डिजीज को आप ठीक करने की बात कर रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों बोलने का मतलब ये है, सिर्फ ब्लड कपिंग से, एक्सरसाइज से और जो है मेडिसिन से कभी एवियन ठीक नहीं होता है। प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जो आयुर्वेद में ही पॉसिबल है, भस्त्रिकर्म में ही पॉसिबल है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं आपको इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आयुर्वेद को अपनाइए, जीवन को अपनाइए। नमस्कार।